और इतनी ज़्यादा गर्मी, इतनी ज़्यादा गर्मी है। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें। और दो तीन दिन से हमारे ब्लॉग इसलिए नहीं आ रहे थे, मेरे फ़ोन में कोई प्रॉब्लम हो गई थी, थोड़ा मसला भी हो गया था। मैं आपको दिखाती हूँ मेरी दाल, ये देखें। हरा धनिया था नहीं, ये देखें, हाँ ये देखें। ये दाल, पापड़, चटनी केरी की, जैसे कि आपको पता है, साथ लस्सी। चित्रा ने कितना परेशान किया हुआ, ये देखें, देख रहे हैं वो। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भी भाइयों, क्या हाल है? मेरे ठीक होंगे, आपके बहुत से, हम भी ठीक है, जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। और ये देख लें, आ गए एक नए दिन के साथ। और इतनी ज़्यादा गर्मी, इतनी ज़्यादा गर्मी है, ये देखें, मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें, देख रहे किस कदर गर्मी है, इतनी गर्मी है, इतनी शदीद गर्मी, मैं बता नहीं सकती। और दो तीन दिन से हमारे ब्लॉग इसलिए नहीं आ रहे थे, मेरे फ़ोन में कोई प्रॉब्लम हो गई थी, थोड़ा मसला भी हो गया था, और उसकी भी सेटिंग सारी करवाई है। दूसरा ये, मेरी तबीयत थोड़ी सही नहीं थी, एक तो गर्मी इतनी हो रही, गर्मी की वजह से आप लोगों को जैसे कि पता, मेरा बीपी इतना हाई रहता है, मेरी तबीयत बिल्कुल सही नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं, कि मेरा उठने को भी दिल नहीं चाह रहा था, यकीन करें। और फ़ोन में भी थोड़ी प्रॉब्लम थी, वो भी सही करो, क्योंकि ईद की छुट्टियों की, ईद छुट्टियाँ थी, तो आप लोगों को पता है जैसे कि मोबाइल मार्केट बंद होती है, तो फिर जाकर मैं इसे सेट करवा के, जब मार्केट खुली है तो मैंने इसको सेट करवाया है। बस ज़्यादातर जो मसला था वो फ़ोन का था, तो अब माशाल्लाह से मेरा फ़ोन सेट हो गया। दूसरी, गर्मी इतनी शदीद पड़ रही है, यकीन करें कि मैं आपको बता नहीं सकती। आप लोगों को भी जैसे पता होगा, ख़ासतौर पर जो हैदराबाद में रहते हैं, हैदराबाद में क्या, कराची, हर जगह गर्मी, बहुत कहरों की गर्मी पड़ रही है। यानी कि हैदराबाद जो हवा के लिहाज से इतना मशहूर है कि रात में लाजमी हवाएं चलती हैं, लेकिन अब रात में भी नहीं चल रही, एक अजीब सी घुटन है, जैसे गर्मी नहीं होती है घुटन, वो घुटन बारिश वाली घुटन है। तो बहरहाल अब उठे हैं, काम वगैरह किया, घर की सफाई वफाई की है सारी, और सालन मैंने बना लिया। आज मैंने बनाई थी मूँग की दाल, क्योंकि ये तो मैं नहीं कह सकती कि गोश्त खा के तंग हूँ, क्योंकि गोश्त हम खाते ही नहीं, मैं तो बिल्कुल भी नहीं खाती, ना बीफ का ना मटन का भी नहीं खाती, बस चिकन का खाती हूँ। आप यकीन करें, मैं अपनी रानी के घर गई थी, उन्होंने स्पेशली मेरे लिए चिकन का पुलाव बनाया था, क्योंकि मैं गोश्त नहीं खाती, और भी मटन बनाया था, लेकिन उसका भी मैंने थोड़ा सा मसाला लिया, मैं गोटी वगैरह नहीं खाती, मुझे गोश्त पसंद नहीं है। इसलिए हमारे घर अगर बड़े का गोश्त कोई भेज रहा भी था, तो मैं कह रही थी नहीं, पूछ के कि अगर बीफ है तो फिर हम नहीं, वापस किसी को दे दो, कोई जो खाता है उसे दे दो, कम से कम मैं नहीं खा, हम लोग नहीं खाते। तो बहरहाल ये देखें, घर का काम वाम सारा कर लिए, सारी सफाई कर ली, ये देखें सारी घर की सफाई वफाई सब की, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। और ये देखें मेरे तोलू मोलू, इनको भी गर्मी लग रही है, इसको भी दो टाइम नहीं लाते थे, अब तीन टाइम नहीं लाते हैं, क्योंकि गर्मी बहुत बहुत ज़्यादा है, 24 घंटे पंखा चला के रखते हैं इनके लिए। और बाकी जो है मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें मछलियों का भी, बेचारियों को, इनको भी गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है, इनका भी पानी चेंज करते रहते हैं, क्योंकि ठंडा पानी डालते रहते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है ये भी जानदार हैं, ठीक है, इनको भी गर्मी लगती है, इनका भी पानी चेंज करते रहते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है आप लोगों को जैसे पता है कि गर्म हो जाता है पानी, तो फिर इनको भी जाहिर है। और आप देख लें मैंने बाल कहाँ बांधे, इतने ऊपर करके, इतनी गर्मी लग रही है ना कि मैं आपको बता नहीं सकती, बहुत बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। तो बहरहाल अब आपको दिखाते, मैंने बनाई आज मूंग की दाल, क्योंकि दिल कर रहा था, मैं मूंग की दाल बनाती नहीं, हम लोग मैं खाती हूँ और घर में, और दूसरे ज़रा थोड़ा, लेकिन मुझे बहुत अच्छी लगती है, मेरी बहन को बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, तो फिर मैंने बनाई मूँग की दाल। और मैं आपको दिखाती हूँ मूँग की दाल, ये देखें, हरा धनिया था नहीं, ये देखें, हम इसे कहते हैं दलदली, से दलदली सी दाल कहते हैं, दलदल नहीं होता है, ये देखें दलदल ऐसे ही होता है ना ये देखें, ये देखें, देख रहे हैं ना, और बहुत मज़े की जायके वाली, इसमें मैंने केरी वगैरह भी डाली है। और ये देखें, और यहाँ पकने लगी रोटियाँ, आटा गुन चुका है और यहाँ पक रही है रोटियाँ, और बस खाना वाना खाते हैं, क्या करें, आपको पता है जैसे कि गर्मी में, लेकिन करें रोटी भी अच्छी नहीं लगती है कि खाने, लेकिन खाना तो है। तो बाकी दिखा, ये देखें, ये दाल, पापड़, चटनी केरी की, जैसे कि आपको पता है, साथ लस्सी और रोटी, ये देखें, देख रहे हैं, ये देखें, क्योंकि दाल ऐसे नहीं खाई जाती, अच्छी नहीं लगती, उसके साथ पापड़, अचार हो, अचार अभी मैंने खोला नहीं, अचार तो मैंने डाला हुआ है, लेकिन अभी खोलूँगी, तो फिर इंशाल्लाह मैं कहते हैं दिखाऊँगी आपको, अभी तो मैंने रखा हुआ है।
बहरहाल अभी फ़िलहाल चल रही है चटनी वगैरह, और जब ये केरी की चटनी का इसका सीज़न चला जाएगा, ये देखें सिधरा को, आ जाओ आ जाओ आ जाओ मेरी जान, वो मैं बात कर रही हूँ ना तो वो खुद वहाँ से बोले जा रही बातें की जा रही, आ जा मेरा बेटा आ जा वो देखिए किस तरह से आ रही है, आ जा मेरा जानू तो बहरहाल गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो फिर आपको पता है लस्सी होना तो बहुत ज़रूरी है, ये देखिए कैसी बर्फ़ वाली ठंडी लस्सी, ये देखें, और आपको पता है कि फिर कितना मज़ा आता है, चटनी पापड़ दाल मज़ा आ जाता है, गोश्त जो भी मतलब इस तरह की चीज़ हो इसके बाद है, दाल बहुत मज़ेदार है। और मैंने आज अपने घर में तो शायद मैंने पहली मरतबा ही मूँग की दाल बनाई है, यहाँ पर बनती नहीं है लेकिन आज हमने बना ली, तो आ जाए जिसने खाना खाना है और खाना खाते फिर आपसे। हमने खा लिया, सारी सफाई भी देखें कर ली है, सारी सफाई, ये चीज़ें जो ये देखें इतनी गंदी हो रही है इसलिए कि इसको मैं बहुत साफ़ करती हूँ, लेकिन इस पर कलर भी देखें करवाया था, लेकिन देख लें ये बहुत ही ज़्यादा गंदा हो रहा है, क्या करें, अब कोशिश भी की है, सफाई भी ब्रश भी मारती हूँ लेकिन ये साफ़ नहीं होती है, इसकी शक्ल ऐसी ही होती है, ये चीज़ बहुत गंदी लगती है लेकिन मैं क्या करूँ, मैं मजबूर हूँ, ये साफ़ नहीं होती, इस पर कलर भी किया है, देखें पहले जब हम यहाँ शिफ्ट हुए थे तो ये ब्लू कलर हुआ हुआ था, देखें इसके नीचे ये इतने इतने जो ये देखें ना, ये देखें ये जो इतनी चीज़ें नहीं, ये सारी ब्लू हुई हुई थी, ये देखें ये देख रहे हैं आप, ये यहाँ तक सारा ब्लू हुआ हुआ था, ये देखें आपको कहीं कहीं ज़ाहिर होगा, ये देखें थोड़ा थोड़ा देख रहे हैं, ये ब्लू कलर हुआ था, पता नहीं कौन जाहिल लोग रहते थे, समझ नहीं आती थी, ये देखें किचन के पास भी देखें, ये देखें ब्लू हुआ हुआ है ना, इसको हमने पता नहीं किस तरह से कलर करा के, सच्ची यकीन करें कि इसको सेट किया है बहुत मुश्किलों से, हमारा कौन सा अपना है, ये कंपनियों के है और जाहिर सी बात है जॉब के साथ है, जब तक जॉब है तब तक, और हाँ दूसरी बात ये कि आपको दिखाती हूँ कि हमारे गोश्त नहीं आया, दिखाती हूँ आपको, ये देखें अब हमारे फ्रिज में आप देख सकते हैं, ये देखें ये चिकन है, इसमें मलाई है, ठीक है, ये बर्फ़ की क्यूब्स है, उसमें खीर पड़ी है, ये देखें वो पतीली ना, उसमें खीर रखी है मीठी बना के, कि दिल चाहता है, उस दिन बनाई थी तो फिर ईद पर तो थोड़ी सी मैंने रख दी थी, इसमें केक था अम्मी के यहाँ जो सालगिरह की थी अम्मी की, ये वो थोड़ा केक था, ठीक है, और इसमें हम ये मैं आपको ज़रूर बता सकती हूँ, इसमें गोश्त है किसका, बीफ का, हाँ बीफ का है, मेरे चचा ने कुर्बानी की थी तो उन्होंने दिया था, तो ये वो गोश्त पड़ा है, ये हम लोगों ने खाना नहीं है, इसके हमने बनाने कबाब, कोई आ जाता है अचानक, जाहिर सी बात है जैसे कि आपको पता है ईद के दिन चल रहे हैं, अब तो ईद तो चली गई है लेकिन ईद के बाद ही मिलना होता है सबने एक दूसरे के, तो मैंने इसके कबाब बना लेने, तो फिर जो आएगा तो चलो बंदा साथ रख देता, हम नहीं खाते लेकिन जो आएंगे वो तो खाते हैं ना, तो बस ये बीफ का गोश्त, ये भी मेरे चचा ने कुर्बानी की थी, इस दफ़ा मैं अम्मी वालों ने नहीं की, थोड़ा सा मसला था, अल्लाह सबकी परेशानियां दूर करे, हर साल वो लोग करते हैं, गाय का करते हैं ना, एक गाय एक बकरा, तो अब के उन लोगों ने नहीं की क्योंकि थोड़ा सा मसला था, सबके घरों में होती है थोड़ी बहुत प्रॉब्लम, अल्लाह सबकी मुश्किलें आसान करे, परेशानियां दूर करे, तो बहरहाल उन्होंने भी नहीं की और मैंने भी नहीं की क्योंकि मैं थोड़ा सा अभी मसला था, थोड़ी जगह का मसला चल रहा है हमारा, इसलिए करके हम लोगों ने नहीं की, और आते साल इंशाल्लाह तो ले हमने भी कुर्बानी करनी है, अभी हम लोग ज़रा जगह का कर रहे हैं कि जगह लेनी है हमने, अपना ज़ाती मकान लेना है, तो फिर इसलिए अल्लाह पाक करे, अल्लाह हमारी मुश्किल आसान करे, तो इस वजह से नहीं की, थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है हर घर में होती है, इस वजह से कुर्बानी नहीं की, और बाकी जो अम्मी वालों ने भी बस इसी वजह से नहीं की, आते साल वो लोग भी करेंगे इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो, और बाकी तो हमारा ये मोहल्ला नया है, इधर तो कोई किसी को एक बोटी भी नहीं देता, तो खैर है चलो कोई बात नहीं, हमें इतनी गोश्त की ज़रूरत भी नहीं, हम नहीं खाते, हमें कोई शौक़ नहीं, लेकिन है ना कि गुनाह है, बहुत ज़्यादा लोग फ्रिज भर लेते हैं, फ्रिज भर के रख देते हैं, महीनों खाते हैं, यकीन करें आप कि महीनों खाते हैं, लेकिन बहुत बुरी बात है कि यहाँ तक कहा गया है कि अगर आप लोगों के घर मोहल्ले में कोई ईद वाले दिन सब्ज़ी बना ले या दाल बना ले तो जिस पड़ोस में तो कुर्बानी होती है उसको बहुत ज़्यादा गुनाह मिलेगा, बहुत ज़्यादा, लेकिन लोग इस बात को नहीं समझते और नहीं देते, चलो कोई बात नहीं, अल्लाह खुश रखे परवरदिगार, लेकिन मेरे जो जेठ वाले भी करते हैं उन्होंने भी इस दफ़ा नहीं की उन, तो इसलिए अब जो है ना हमारे गोश्त इतना हुआ है, वरना अम्मी वाले करते हैं यकीन करें, जब अम्मी वाले करते हैं चचा वाले करते हैं तीन तीन गाय, तो यकीन करें कि इतना गोश्त होता है कि अपनी पहुंच से भी बाहर होता है, तो बहरहाल कोई बात नहीं,
अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक के साल में क्या खुश बारह कोई जरूरत नहीं गोश्त की, हम गोश्त इतना शौक से खाते भी नहीं हैं, पर अब करते हैं थोड़ा सा आराम क्योंकि खाना वाना खा लिया और अब लाइटें बंद करते हैं और अब थोड़ा सा आराम करते हैं, फिर आपसे मिलते हैं अगर सिदरा ने करने दी। वेलकम बैक जी, ये देखें हम लोग बैठे हैं बाहर क्योंकि गर्मी बहुत हो रही है, बहुत बहुत ज़्यादा हो रही है। देखें सिदरा वीडर पी रही है और किस तरह से देख रही है, देखा बहुत ज़्यादा गर्मी है, गर्मी से मेरे सर में दर्द हो गया बहुत ज़्यादा, यकीन करें बहुत बहुत गर्मी है, हमारी सोच से भी गर्मी है, हालांकि 7 बजने के करीब टाइम है बिल्कुल, लेकिन इतनी गर्मी है कि बहुत ज़्यादा है। अल्लाह रहम करे बेचारे लोगों पर जो बेचारे बाहर मजदूरी करते हैं जो दिहाड़ियाँ करते हैं, अल्लाह उन पर रहम फरमाए। हम तो चलो फिर भी अंदर घर में होते हैं, पंखे चल रहे होते हैं, लेकिन है ना बाहर बहुत गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। लेकिन ये कि आज शुक्र है शाम है तो हुई है तो हवा चल रही है, पर तो बिल्कुल भी हवा नहीं थी, हब्स था हब्स। और ये देखें सिदरा को, सिदरा के नखरे देख रहे हैं, ये देखें, ये देखें इसके नखरे इतने, इसको गर्मी लगी है, देख लें कितनी गर्मी है। और ये बड़ी नौटंकी हो गई, नौटंकी हो गई, ये नौटंकी बहुत परेशान करती है सच्ची से बहुत ज़्यादा। बाकी ये देखें सब बैठे हुए हैं अंदर, ये देखें वो देखें मेरी बहन भी वो खड़ी कपड़े सुखा कर आई है, वो देखें ये देखें और ही मेरी बहन कपड़े सुखा कर आई है, कपड़े धोए उसने, अरे मेरा बहन भाई है, मेरी बेटी है। और ये देखें सिदरा बीबी है, फीडर पी रही है, सिदरा फीडर पी रही है, देखो सिदरा सिदरा को पता होता है कि वीडियो बन रही, सिदरा को पता होता है सारा। बच्चे देखें नीचे घूम रहे हैं, वो देखें गर्मी से परेशान, ये देखें सिदरा ने कितना परेशान किया हुआ, ये देखें देख रहे हैं बहुत इसने तंग किया हुआ है, बहुत ज़्यादा सुकून नहीं ले रही है। और ये चाय हमारी आ गई है, गर्मी हो या सर्दी चाय तो पीनी पीनी हर हाल में। और ये देखें सिदरा कहती कि मैं यहाँ से जाऊँ चढ़कर, ये देखें देख रहे हैं, हाँ सिदरा सिदरा इधर देखो सिदरा, अरे आ जाओ देखो केरी, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, हाथ देखें हाथ देखा कैसे चलाती है, आ जाओ आ जाओ। अब उस साइड जाने के लिए करती कि मैंने उस साइड जाना है उसकी मम्मा आवाज़ें दे रही है सामने से, तो ये देखें ये देखा पैर ऊपर कर रही कि मैंने उधर जाना है, आ जाओ सुना नहीं, आ जाओ आ जाओ, आए है कैसे बुला रही है रचना, देख कैसे बुला रही है आ जा आ जा आ जा आ जा, जा। कैसे बुला रही है अपनी मम्मा को, देखे उसकी मम्मा वहाँ दरवाजे में खड़ी है तो देखो कैसे बुला रही है उसको, पाँव देखें पैर देखें कैसे उठा रही है, पैर देखें देखा कैसे अब वो माँ को बुला रही है, आ जा आ जा आवाज़ें दे रही है, वो तो दरवाजे में खड़ी तो उसको कह रही है आ जा, उसका बस नहीं चल रहा है कि ये उस साइड चली जाए, बस चाय पी रहे सर में बहुत ज़्यादा दर्द है, ये देखें देख रहे इसको इतना शौक है कि मैं इस साइड खुद चल के जाऊँ उधर कूद के, सिदरा शिदला शिदला नानी आ जाओ, सिदरा की फीडर ये रही, सिदरा फीडर हुई हुई ओ ये रही हुई हुई, अब कैसे लोगी, ये लो ये लो ये लो सिदरा ये रही ये रही ये रही ये रही ले लो ले लो ले लो ले लो सीधा ले लो, सिदरा की फीडर कहाँ है, ले लो ये रही ले लो ले लो, सिदरा फीडर ले लो फीडर ले लो, वो शैतान हो गई है, इतनी शरारती हो गई ना मैं बता नहीं सकती, आवाज़ दो ना किसी को भी आवाज़ दो, मैं आवाज़ दूंगी अपनी बेटी को नेहा तो आगे से बोलेगी आ जाओ, किसी को भी आवाज़ दूंगी तो कहेगी आ जाओ, फिर है ना कोई अगर इसके पास बैठे कहेगी हट जाओ हट जाओ हट जाओ, इतनी शरारती हो गई है बहुत ज़्यादा।
मेरी यादें सर, मैं इतना दर्द है, दवाइयाँ भी खा रही हूँ। दो दिन यही ब्लड प्रेशर का मसला था गर्मी की वजह से। आज बहुत मैंने हिम्मत करके ना यकीन करें तो ब्लॉग शुरू किया। मेरी बहुत बुरी हालत है गर्मी की वजह से। और ये देखें आवाज़ें दी जा रही, कह रही आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आप आ जाओ आप आ जाओ मेरा बेटा। ये देखें कैसे चढ़ रही है ऊपर, देखें ये देखें इसको कितना पता है लड़की को। हाय हाय इस लड़की को कितना पता है, देखें देख रहे। ले लो फीडर ले लो। नहीं अब नहीं रुकेगी, अब नहीं रुकेगी। के नौटंकी नौटंकी है नौटंकी। ये देखें अब निकालने लगी हूँ लहसुन, और मैं कह रही हूँ कि लहसुन अदरक जो ना पीस के रख लूँ, क्योंकि थोड़ा रह गया है लहसुन अदरक, तो मैं चलो पीस लेती हूँ। ये देखें ये है ना, मैं मोटा वाला नहीं लाई हूँ ज़्यादा, ये थोड़ा देसी है ना इसके लिए ये सही है। ज़्यादा मोटा वाला जो होता है ना फिर वो उसमें इतना जायका नहीं होता। देखें ये पतला है, ये देख रहे हैं ये देसी लहसुन है, ये है फार्मी जिसको कहते हैं। ये अब ये छीलने लगी हूँ लहसुन अदरक, छील के ना ये रख दे एक भी सुबह, फिर उठ के ना तो बस ख़त्म हो गया। हाँ देखें फ्रिज दोबारा से गंदा हो गया। ये देखें जितना मर्ज़ी कर लें ना ये फिर हो जाता है। ये देखें अभी साफ़ किया था, इसमें क्या है, इसमें लस्सी है, ये कोल्ड ड्रिंक है, मिर्चें, ये देखें जो सालन कैरी का बना के रखा था वो, और ये कल मैं अपनी जिठानी के घर गई थी उन्होंने बनाया था, ये बीफ का सालन है तो उन्होंने दे दिया था कि ये ले जाओ थोड़ा सालन, ठीक है। वो मेरी बहन खाती है तो कह रही थी ले जाओ ये उसको देना हो खाने। अभी मैं लहसुन छीनने लगी हूँ, लहसुन छीन के रख देती हूँ। गर्मी बहुत हो रही, मेरा दिल घबरा रहा है यकीन करें, इतना दिल तंग हो रहा है गर्मी से मैं बता नहीं सकती, बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा मेरा दिल घबरा रहा है। बाकी क्या करें, अभी आपको पता है गर्मी में बाहर भी नहीं जा सकते इतनी गर्मी। हालाँकि ईद गुजर गई, इतना दिल कर रहा था कि बाहर जाना है, और चलो बाहर जाएंगे वीडियो भी बन जाएगी और घूम भी लेंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा मेरे मोबाइल का मसला हो गया था इतना ज़्यादा। फिर मोबाइल जो है वो मार्केट से सही करवाना था, मार्केट बंद थी, कहाँ से मैं मोबाइल सही करवाती। फिर जब मार्केटें खुली हैं तो फिर मैं लेकर गई हूँ तो फ़ोन सही हुआ है मेरा, वरना फ़ोन मेरा ख़राब हो गया था, इतनी टेंशन हो गई थी फ़ोन की बहुत ज़्यादा ना, चलते चलते बंद हो गया था, इसलिए फिर बाहर भी नहीं गए। और मैं अपनी जिठानी के घर भी गई थी तो फ़ोन ही मेरा सही नहीं था, तो मैं क्या करती, इतनी ज़्यादा परेशानी थी। शुक्र है अल्लाह पाक का फ़ोन वाला मसला तो हल हुआ कि फ़ोन सही हो गया। और घूमने बाहर गए इसलिए भी नहीं गए कि गर्मी इतनी है, गर्मी में आपको तो बताया मेरा अम्मी के घर जाने को जी नहीं चाह रहा था, तो मैं इधर कहाँ जाती घूमने। बहरहाल थोड़ा मौसम सेट होता है तो फिर इंशाल्लाह जाएंगे कहीं ना कहीं घूमने, प्रोग्राम तो बनाते रहते हैं लेकिन हिम्मत नहीं होती, क्योंकि उस बाकी सब तो ठीक है, मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है बस और कुछ नहीं। अब अभी भी देखें दो दिन लग के मेरी बीपी इतना हाई था, और ये मेरा बस ये जो चीज़ है ना ये मेरी सारी दर्द करती है, ये साइड ये सारा दर्द करता है। तो बाकी छोटा सा व्लॉग था, तो बाकी मेरे लिए दुआ कीजिएगा कि मेरी तबीयत अल्लाह पाक सेट रखे, और अब मुझे आप इजाज़त रखना, बहुत सारा ख्याल रखना, दुआओं में मुझे याद रखना। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह ने